हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का बहुत ही टेस्टी हलवा। इसके लिए हम लेंगे 1 किलो लौकी, जिसको मैंने मोटे वाले कद्दूकस से कस कर दिया है, और इसका जो लौकी का बीज का पार्ट होता है उसको हम निकाल लेंगे। अब इस कद्दूकस की हुई लौकी को हल्का हल्का हम निचोड़ लेंगे। अब हमने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डाला है। अब इसमें हम डालेंगे ये कसी हुई लौकी और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम लौकी को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे से सूख नहीं जाता है। अब देखिए, लौकी में से पानी सूखने लगा है। अब इसी टाइम हम इसमें डालेंगे दूध। अब हमने लिया है 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध, जिसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और अब इसको इसमें डाल देंगे। अब दूध को हम लौकी में अच्छे से पकने देंगे जब तक ये दूध इसमें सूख नहीं जाता है। देखिए, दूध हमारा गाढ़ा होने लगा है, लेकिन अभी हम इसे और गाढ़ा करेंगे। अब देखिए, दूध इसमें सूखने लगा है। अब हम इसी टाइम इसमें डालेंगे चीनी, 1/2 कप चीनी डालेंगे। आप चीनी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। अब देखिए, चीनी भी अच्छे से इसमें पिघल गई है, और इसको भी अब हम थोड़ा सा सुखाएंगे। अब चीनी भी इसमें अच्छे से सूखने लगी है। अब हम इसमें इसी टाइम डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। आप इसकी जगह दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मिल्क पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन इससे हलवा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा डालेंगे इलायची पाउडर, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था और बहुत अच्छे से इसको 5 मिनट तक भूना है। तो अब देखिए, ये धीरे धीरे कढ़ाई छोड़ने लगा है, और इसमें हम थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे, जिससे कि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आए। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे, जो कि मैंने काजू, बादाम और चिरौंजी ली है। इसको घी में रोस्ट कर लिया है। इसमें से थोड़े ड्राई फ्रूट डालेंगे और थोड़े हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। अब देखिए, इसे हम बहुत ही स्लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से भूनेंगे। हलवा हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है। देखिए, कढ़ाई भी इसने छोड़ दी है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे। देखिए, हमारा लौकी का बहुत ही टेस्टी हलवा एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।